गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच ने एक ब्लाइंड मर्डर को सुलझाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुरुग्राम पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जिसकी हत्या की गई ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर उसकी हत्या किसने की। दरअसल बीती 14-15 अक्टूबर की दरमियानी रात गुरुग्राम के झाड़सा रोड इलाके पर दो युवक स्कूटी पर जा रहे थे। उसी समय उनकी स्कूटी खराब हो गई और जब वो पैदल ही अपनी स्कूटी को ले जा रहे थे तो पास से गुजर रही एक मोटरसाइकिल सवार से उन्होंने अपनी मदद मांगी, लेकिन मदद करने के बहाने उन दोनों बाइक सवार युवकों ने एक स्कूटी सवार की बुरी तरह पिटाई करनी शुरू कर दी। उसकी पिटाई इतनी बुरी तरह की गई कि जब उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया तो 28 वर्षीय व्यक्ति पंकज ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में गहन छानबीन शुरू की। गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में एक खुलासा किया है और दो युवकों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच प्रभारी नवीन कुमार को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर के पास दो युवक घूम रहे हैं जिनको हिरासत में लिया गया, तो उनसे पूछताछ में उनके नाम अताउल्ला खान और प्रियांशु उर्फ सचिन ये पता चला। पुलिस ने जब उनसे गहनता से पूछताछ की तो इन दोनों ने पंकज के मर्डर की बात कबूल ली। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस ने बताया है कि दोनों आरोपियों ने बताया कि रात के समय पंकज के साथ इनकी कहासुनी हुई थी और उसी के कहासुनी के बाद इन दोनों ने पंकज को बुरी तरह पीटा था जिसमें पंकज की मौत हो गई थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपियों से जो मृतक है पंकज उसका मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। ये दिनांक 15/9 को एक शिकायत पे ये केस रजिस्टर हुआ था, पंकज पुत्र वेद प्रकाश निवासी बड़प थाना कनीना जिला महेंद्रगढ़, जिसकी उम्र 28 साल की थी। ये यहाँ पे काम करने के लिए आया था गुड़गांव में और 14-15 की जो रात थी उसको अपने साथी के साथ अपनी बाइक पे घूमने के लिए बाहर निकला था और उनकी यहाँ पे अपने हाईवे के नज़दीक एक जगह किसी से कहासुनी हुई और उन्होंने उसको चोट पहुँचाई और इसके बाद अगले दिन उसकी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मृत्यु होगी, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर किया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम 31 यूनिट ने शुरू की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने दो आदमी जो उस घटना में, ये ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन पुलिस ने बड़ी टेक्निकली इस इन्वेस्टिगेशन को करते हुए बड़ी मेहनत के साथ दो आदमियों को इसमें जो शामिल थे उनको गिरफ्तार किया। इसमें अताउल्ला खान उर्फ तोतला और प्रियांशु उर्फ सचिन, ये दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया था। उन दोनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। उनसे जो मृतक था उसका जो मोबाइल फ़ोन था उसकी रिकवरी कर ली गई है और जो स्कूटी इन्होंने यूज़ की थी क्राइम में उस स्कूटी को भी हम गिरफ्तार, इसकी आज पुलिस रिमांड ले रहे हैं अदालत से, उसके बाद उस स्कूटी को भी हम बरामद करेंगे। और इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ सामने आई है कि भी बिल्कुल कुछ छोटी मोटी कहासुनी के कारण ही रोडरेज टाइप की एक इनकी आपस में कहासुनी हुई और जिसको लेके इन्होंने इस एक नौजवान की हत्या कर दी, जिसके संबंध में हमने 302 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया। इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाना पुलिस के लिए बेहद कड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने आखिरकार तकरीबन 15 दिन बाद इस केस को सुलझा दिया है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।